प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका और सही समय क्या है। बहुत बार लोग प्रेगनेंसी टेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, क्योंकि उनको करने का सही तरीका और सही समय नहीं पता होता है। मिलता फार्मेसी में, किसी भी इजीली फार्मेसी में कहीं पे भी अवेलेबल होती हैं ये प्रेगनेंसी किट्स, तो करना तो बहुत आसान है लेकिन करने के लिए सही तरीका जानना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आपको गायनेकोलॉजिस्ट इस बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि क्या इसका एक्यूरेट सही तरीका है, कौन सी गलतियां आपको ये टेस्ट करते हुए नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां की तो रिज़ल्ट इनएक्यूरेट या गलत रिज़ल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं समय के ऊपर, किस टाइम पे ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि अभी पीरियड मिस नहीं हुआ पर हमें लग रहा है कि प्रेगनेंसी है, यानी कि सपोजिटली आपके 30 डेज का साइकिल है। बहुत सी बार महिलाएं बहुत एंग्शियस होती हैं, जिसको प्रेगनेंसी चाहिए वो भी बहुत एंग्शियस है, जिसको नहीं चाहिए वो भी बहुत एंग्शियस है। एक को टेंशन है होगा 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 या नहीं होगा, दूसरी को टेंशन है कहीं हो ना जाए। तो दोनों ही महिलाओं को बहुत टेंशन है और वो जल्दी जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी करके देखना चाहती हैं। तो पीरियड मिस होने से पहले ही जब लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आते हैं। आपको पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन कम से कम बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, उससे पहले नहीं करके देखना चाहिए, आपको बिना फालतू गलत रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, क्या सिर्फ मॉर्निंग के यूरिन सैंपल से इसे आप टेस्ट कर सकती हैं या वही सही तरीका है? देखिए, डेफिनेटली हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लें, यानी कि सुबह उठने के बाद जो पहला यूरिन का सैंपल हो उससे चेक करें। वह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि रात भर का जो यूरिन होता है वह कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसके अंदर बीटा एचसीजी का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि टेस्ट का एक्यूरेट रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है। परंतु अगर आप किसी कारणवश मॉर्निंग में नहीं कर पाई हैं तो आप ऐसा नहीं कि उसे दिन में नहीं कर सकती, आप उसे दिन में भी कर सकती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हो सकता है कि दिन के टाइम पे आप करें तो बीटा एचसीजी का वैल्यू थोड़ा कम हो, तो लाइट जो लाइन है वो इतनी डार्क ना आके थोड़ी लाइट कलर किया जाए। हाँ, डेफिनेटली मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग यानी सुबह उठ के पहले सैंपल से करेंगी तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, परंतु आप दिन में भी कर सकती हैं। अगली चीज़, आपको इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि उस यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने से पहले आप बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि बहुत बार पेशेंट क्या करते हैं, जैसे सपोजिटली दिन में टेस्ट कर रहे हैं, सुबह के पहले सैंपल से करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन अगर आप दिन में ये टेस्ट कर रहे हैं और आपने सोचा कि यूरिन आ जाए इसलिए आप बहुत सारा एक साथ पानी पिए जा रही हैं, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो आपका यूरिन होगा वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के कारण बीटा एचसीजी की वैल्यू भी उसमें कम हो जाएगी, जिसके कारण कि आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, यानी कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो लेकिन किट में नज़र ना आए। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पी के और फिर टेस्ट करना है ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल पानी पी के ही टेस्ट करना है, यानी कि बहुत एक्सेसिवली टेस्ट करने से जो पहले का यूरिन सैंपल है वो बहुत डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी किट को चेक कर लीजिए कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार हम देखते हैं कि फॉल्स रिजल्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो किट्स होती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो आपको, जैसे आप गोली कोई भी खाने से पहले, कोई भी दवाई लेने से पहले ये ज़रूर चेक करते हैं कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी किट को यूज़ करने से पहले भी आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वह एक्सपायर डेट की तो नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बार लोग क्या कहते हैं, वो किट लेते हैं, किट के अंदर एक गोला बना होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, एक वेल होता है साइड के अंदर जिसके अंदर कि आपको यूरिन के ड्रॉप्स डालने होते हैं, तो वो जो ड्रॉप्स डालने हैं उसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, उससे अधिक नहीं डालना है। यह गलती बहुत कॉमन होती है, लोग क्या करते हैं उसमें 3-4 ड्रॉप्स डालते हैं लेकिन 3-4 ड्रॉप्स डालने के बाद उन्हें आगे इमीडिएटली कुछ नज़र नहीं आता, तो उनको लगता है कि थोड़ा और डाल के देख लेते हैं तो वो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, क्योंकि आप बहुत सारा डाल देंगे तो भी वो आगे की तरफ खिसक जाएगा और आपका रिजल्ट इनएक्यूरेट आएगा, गलत आएगा। तो आपको उस जो वेल के अंदर सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स यूरिन ही डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। उसके आगे एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज़, ये जो टेस्ट है इसको रीड आपको 3 से 5 मिनट के बीच में ही करना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेशेंट क्या कहते हैं, मैडम हमने सुबह चेक किया था तो उसमें नेगेटिव दिख रहा था, फिर हमने किट को छोड़ दिया, फिर हम दोपहर को अपना काम वाम करके आए, फिर हमने उसे वापस चेक किया, पड़ी हुई थी तो इस बार तो हमें एक लाइट लाइन दिखाई दी, तो यानी कि प्रेगनेंसी है, और फिर वो इस चक्कर में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, उस किट को रीड 3 से 5 मिनट के बीच में ही करना है, क्योंकि अगर आप उसे बहुत टाइम बाद रीड करेंगे तो एक फेंट सी लाइन वहाँ पे ज़रूर आ जाएगी, जो कि इवेपोरेशन लाइन होती है, प्रेगनेंसी के कारण नहीं होती और आप कंफ्यूज ही होती रहेंगी। इसलिए यूरिन डालने के बाद 3 से 5 मिनट के बीच में ही उसे चेक कर लेना है। उसको बहुत ज़्यादा लंबा आपने आधा एक घंटा या 4 घंटा ऐसा छोड़ के रख लिया और फिर आप रीड कर रही हैं तो गलत रिजल्ट आएगा। इसलिए उसे रीड करने का टाइम यानी कि उसको पढ़ने का टाइम यानी कि उसको इंटरप्रेट करने का टाइम भी 3 से 5 मिनट के बीच का है। उसी के बीच आपको उसको चेक करके देख लेने का है कि उसके अंदर क्या रिजल्ट है। अब सपोज इटली उसमें 2 डार्क लाइन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, कन्फर्म है भाई प्रेगनेंसी है, तो ये तो क्लियर हो गया 2 डार्क लाइनें आ गई तो कन्फर्म है प्रेगनेंसी है। 1 लाइन डार्क और 1 लाइन लाइन है तो लाइट लाइन क्यों आ सकती है? लाइट लाइन आने के कई कारण हो सकते हैं। लाइट लाइन इसलिए आ सकती है कि एक अर्ली प्रेगनेंसी हो सकता है ये एक इवेपोरेशन लाइन हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है केमिकल प्रेगनेंसी हो और हो सकता है कि एक फेल्ड प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी तो है पर आगे नहीं बढ़ रही। पर इनमें से क्या है उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर है कि फेंट लाइन क्यों आती है, आप उसे देख सकते हैं। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है? सिर्फ 1 लाइन आ रही है तो 1 लाइन आने का क्या मतलब है कि क्या टेस्ट रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव ही है? देखिए अगर आपकी 1 लाइन आ रही है लेकिन आपका पीरियड मिस हो गया है, आपके सपोजिटली हो सकता है रेगुलर पीरियड्स हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स, अगर आपके रेगुलर पीरियड्स है आपका पीरियड मिस हो गया और लाइन 1 ही आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मान लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो आपको 4-5 दिन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन बाद वापस से वो टेस्ट रिपीट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर साइकिल में एक डिलेड ओवुलेशन और डिलेड कंसेप्शन का केस हो। ठीक है, अगर 1 लाइन आ रही है और पीरियड भी आ गया देन इट इज़ ओके फाइन देर इज़ नो प्रेगनेंसी। लेकिन अगर 1 लाइन आ रही है और पीरियड नहीं आया है और आपके साइकिल्स रेगुलर हैं तो 7 दिन बाद वापस ये टेस्ट रिपीट कीजिए। दूसरी कंडीशन कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, सपोजिटली 30-40 डेज की साइकिल है, 30-40 डेज की साइकिल है और आपने 30 डेज पे ही चेक कर लिया, हो सकता है नेगेटिव आए। तो पहली बात तो अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं तो जो आपका हायर वाला साइड है यानी कि 30 से 40 दिन में पीरियड आता है तो आप टेस्ट ही उसे 40 दिन से 1-2 दिन बाद में कीजिए, और अगर तब वो नेगेटिव आ रहा है और पीरियड नहीं आया है तो भी आप उसके 1 हफ्ते और तक का इंतज़ार कीजिए, 7 दिन का और इंतज़ार कीजिए, वापस रिपीट कीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, टेस्ट भी नेगेटिव है और पीरियड नहीं आ रहा है यानी कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है, और पीरियड आ जाता है तो डेफिनेटली देयर इज नो प्रेगनेंसी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको उसको एक्यूरेटली सही ढंग से करना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ड्रॉप सिर्फ 3 से 4 डालनी है वेल के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर ही उसे रीड करना है, प्रेफरेबली सुबह के पहले मॉर्निंग सैंपल से टेस्ट करना है, उससे पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना है और किट एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आप जो टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।